वेलकम गाइस, ITL पर वीडियो में F1S UMT से हम कर रहे थे फ़ोन को, तो हमने इसको कम से कम 4-5 बार किया है। तो करने के बाद ये देखो, यहाँ पे फेल्ड लिखा आ जाता है, फेल्ड और डिसकनेक्ट बैटरी केबल फ़ोन ऑन। ठीक है, ये बार बार यही प्रॉब्लम आ रही है, 100% दिखा देता है लेकिन ये फेल करके ये डिसकनेक्ट बैटरी दिखाता है। तो अब हम इसे जो है UMT से कर रहे थे, अब हम इसे MRT से करेंगे। ठीक है गाइस, MRT से करते हैं फिर देखते हैं कि ये होता है कि नहीं। अब हमें इसे MRT से कर रहे हैं, ये देखें डाटा केबल लगी हुई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा कैमरा, यहाँ पे आ रहा है ऑपरेशन इज कंप्लीट। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट लिखा हुआ आ रहा है। तो अब हम देखते हैं कि ये हुआ कि नहीं। UMT से तो हमने करके देख लिया, UMT से कुछ हो नहीं रहा था, तो हमने अब MRT से कराया। तो अब इसे ऑन करके देखते हैं। UMT से करके 3-4 बार देख लिया, वहाँ पे जो है फेल्ड आ रहा था और बैटरी रिकनेक्ट का ऑप्शन आ रहा था। तो अब हमने F1S को जो है ओप्पो A1601 को हमने किया है MRT से। तो देखते हैं कि ये प्रोसेस होता है कि नहीं, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ये हमारा ओपन हो रहा है, देखते हैं कि अगर सेम दिक्कत इससे भी आएगी तो फिर जो है इसको हम शॉर्ट करके करना पड़ेगा ये हमें। वैसे जितना टाइम ले रहा है तो उस हिसाब से लग रहा है कि ये फॉर्मेट हो चुका है। मैं आपको अभी बता दूंगा कि मैंने MT के टूल में जो है क्या क्या सिलेक्ट किया है, वो सारे ऑप्शन भी आपको अभी बता देता हूँ। पहले ये चेक कर लूँ कि ये हुआ कि नहीं। गाइस थोड़ा सा ये आपका टाइम लेगा, लेकिन टाइम ले रहा था इसका मतलब ये है कि आपका हो चुका है। लेकिन जब मैं UMT प्रो से इसको कर रहा था तब ये सीधा पैटर्न लॉक पे आ रहा था, जो हमारी होम स्क्रीन होती है डिस्प्ले वहाँ तक आ रहा था, ये कुछ FRP अनलॉकिंग कर नहीं रहा था। तो देखते हैं कि MRT UMT प्रो से तो हुआ नहीं, अब MRT से हमने किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैं आपको जब तक ये हो रहा तब तक मैं आपको इसके फंक्शन बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या सिलेक्ट किए थे इसके लिए। आप जब MRT अनलॉक करेंगे तो ओपन करेंगे तो आपको जो आना है MRT वर्जन 2.6 में। इसमें जब आप जाते हैं तो ये ऑप्शन आपका खुल जाएगा। इस ऑप्शन के खुलने के बाद आपको जो है यहाँ पे मैंने ये 2 रख रखा है। ठीक है, 2 के बाद ये आप दोनों ऑप्शन देख लें, ये सेम है, यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है। फिर उसके बाद ये हमने ओनली ओप्पो पे सिलेक्ट किया है, ओप्पो ओनली पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये स्टार्ट का बटन आता है, हमें स्टार्ट करके वॉल्यूम अप प्रेस करके जो है कनेक्ट कर देना है। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद जो है ये आपका कनेक्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद ये फॉर्मेटिंग स्टार्ट कर देगा, फिर उसके बाद जो है ये प्रोसेसिंग चालू हो जाती है हमारी, जहाँ पे ये लोगो पे आ रहा है। तो अब देखेंगे कि ये हमारा कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। ये देखिए स्टार्ट हो चुका है, पहले ये चीज़ जो है हमारी आ नहीं रही थी, तो हम इमरजेंसी कॉल पे जाके हम डायल कर देंगे यहाँ पे *813#।
ठीक है, ये हमने हमारा जो है ये ऑन हो चुका है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आईटी हेल्पर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।